सभी को नमस्कार। राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता है अपने YouTube चैनल राजेश इलेक्ट्रिकल में। आज इस 15 HP की मोटर के मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा, जो कि स्टार डेल्टा कनेक्शन है। ये मोटर जली हुई है, इसको हटा दिया है। अब दूसरी मोटर जो कि रिवाइंडिंग की हुई है, ओके है वो मोटर, उसको लगा देंगे ये लड़के। ये वाली मोटर है ये। पहले इस मोटर को अच्छी तरह से फिट कर लेते हैं, उसके बाद इसके रोटर को घुमा कर देखा जाएगा, उसके बाद मैं इसके कनेक्शन करूंगा। ये इस मोटर की 3 कॉइलों के 6 सिरे बाहर निकले हुए हैं। ये एक कॉइल के 2 सिरे होते हैं, तो 3 कॉइल हैं, 3 कॉइलों के 6 सिरे हो गए। 3 ऊपर आगे लगे हैं, 3 नीचे आगे लगे हैं। अब इन पर कोई मार्किंग नहीं की हुई है, इसलिए मैं इस कॉइल को ए कॉइल मानता हूँ और इस ए कॉइल का ये एक नंबर सिरा है, यानी कि A1 मानता हूँ मैं इसे। अब ये मैंने A1 पे लगा दी। अब मुझे ढूंढनी है A2, ये भी नहीं है, ये A2 है, कन्फर्म होगी। अब ये है B कॉइल का एक नंबर सिरा, यानी कि B1, इसका दूसरा सिरा है B2, ये है। और ये C कॉइल का एक नंबर सिरा, यानी कि C1, और ये है C2। आपस में भी चेक कर लेनी चाहिए, शॉर्ट तो नहीं है, और बॉडी के साथ भी चेक करना चाहिए। मोटर ओके है एकदम, ठीक है जी। अब इसके कनेक्शन करते हैं हम। ये स्टार्टर से 2 केबल आई हुई हैं, RYB। एक केबल नीचे लगेगी, एक केबल ऊपर लगेगी। ये कैसे लगती है मैं अब आपको लगा कर दिखाऊंगा। ये मैंने एक वायर, एक केबल जोड़ दी है, जिसके अंदर 3 वायर हैं RYB। इनको पहले मैं अच्छी तरह से टाइट कर देता हूँ। अब मुझे ये दूसरी केबल जोड़नी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि R के सामने R जोड़नी है, Y के सामने Y जोड़नी है, और B के सामने B जोड़नी है, ठीक है जी। अभी जोड़ देता हूँ। ये 15 HP की मोटर है और इसका कनेक्शन बॉक्स, कनेक्शन प्लेट बहुत छोटी दी गई है, इसलिए हमेशा हमें ध्यान रखना कि एक फेस दूसरे फेस के साथ टच ना करे। अब ये मैंने दूसरी केबल भी टाइट कर दी है। यहाँ पर हमें कोई भी बोल्ट लूज नहीं छोड़ना है, सभी टाइट होने चाहिए। अभी मैंने ये मोटर की 3 तार मैंने यहाँ पर टर्मिनल पे जोड़ दी हैं, और दूसरी ये 3 तार हैं। आपको कभी भी कनेक्शन करने हैं तो 3 तार आप आंखें बंद करके जोड़ दीजिए, RYB चाहे कोई से भी किसी में जोड़ दीजिए। बाकी बचती हैं 3 तारें, ये कैसे जोड़नी है ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने ये 3 तारें इसमें जोड़ दी हैं, अब मैं सप्लाई को चालू करता हूँ। मैं सप्लाई चालू कर दी है मैंने, ये देखिए सप्लाई आ चुकी है। इसमें भी मोटर की 3 तारें सप्लाई के साथ कनेक्ट हैं और 3 तारें ओपन हैं,
अभी मैं आपको बताता हूँ इसके कनेक्शन कैसे करने हैं आपको। सबसे पहले तो मोटर की दूसरी केबल के अंदर सप्लाई चेक करनी है हमें। मीटर पे दिखाना, मीटर पे। ओके है, ओके है। अब आप इधर देखिए, ये एक टर्मिनल है। अब हमें इस पे देखना है कि इसमें कितनी वोल्टेज दिखा रहा है। ये दिखाना इधर वोल्टेज पे, 419 वोल्ट दिखा रहा है। यानी कि हम इस केबल को इसमें जोड़ सकते हैं। और अब दूसरे पे चेक करते हैं, ब्लू वाली, ये भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। यानी कि इस टर्मिनल के बीच में और इसके बीच में दो फेज़ की वोल्टेज होनी चाहिए। अब तीसरे पे चेक करते हैं, 424 ओके दिखा रहा है। तो पहले वाले में आर जुड़ेगी, दूसरे वाले में बी, और तीसरे वाले में वाई जुड़ेगी। अभी मैं आपको ये जोड़कर मोटर चालू करके दिखाता हूँ। चलिए मैं अब आपको इसका पैनल भी दिखा देता हूँ। आप इसका पैनल देखकर डर मत जाना। ये है जी इसका पैनल।